दोस्तों सूरज ही है जिसकी वजह से हमारी धरती और यहाँ पर रहने वाले सभी इंसान और जानवर एग्जिस्ट करते हैं। चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इसरो ने सूरज के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अपना मिशन तैयार कर लिया है और इस मिशन को नाम दिया है आदित्य L1 मिशन। ये मिशन आज यानी 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया जा रहा है और ये भारत का पहला मिशन है जो इसरो सूरज की स्टडी करने के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट सूरज की ओर भेज रहा है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट 7 पेलोड्स के साथ सूरज की ओर जा रहा है, जिसमें से 4 पेलोड का काम रहेगा सूरज की लाइट्स को ऑब्जर्व करना और बाकी 3 पेलोड्स सूरज की प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेंगे। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूरज की हालो ऑर्बिट के पास लैग्रेंज पॉइंट L1 में भेजा जाएगा। यहां से बिना कोई दिक्कत के सैटेलाइट कंटिन्यूअसली सूरज पर रिसर्च कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि चांद पर पहुंचने में चंद्रयान 3 ने लगभग 1.5 महीने का टाइम लिया था, सूरज की हालो ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 कितना टाइम लेगा? देखो, जहां पर आदित्य L1 भेजा जा रहा है उस ऑर्बिट से धरती तक की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आदित्य L1 को 4 महीने का समय लगेगा। हम सब चाहेंगे कि जैसे इसरो ने मंगल और चांद पर अपने मिशन सक्सेसफुल बनाए हैं, ऐसे ही सूरज पर जाने वाला आदित्य L1 मिशन भी सक्सेसफुल रहे। इसरो के इस ऐतिहासिक कदम के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोज इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।